श्री जगन्नाथ हॉस्पिटल मेन रोड स्टील गेट गुरु कृपा शोरूम के बगल में सरायढेला धनबाद। यहाँ पर आधुनिक मशीन के द्वारा गॉल ब्लडर स्टोन अपेंडिक्स ट्यूमर सिस्ट पाइल्स फीसर और भगंदर का ऑपरेशन सबसे न्यूनतम खर्च पर श्री जगन्नाथ हॉस्पिटल में उपलब्ध है। हॉस्पिटल का मोबाइल नंबर 9065326335 है। युवा कांग्रेस के बैनर तले स्थानीय बेरोजगार ग्रामीण को लेकर एक दिवसीय धरना किया गया। युवा कांग्रेस स्थानीय बेरोजगार ग्रामीण का एक दिवसीय धरना के मुख्य अतिथि के तौर पर जलेश्वर महतो एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राम रहीम एवं सैकड़ों की संख्या में सदस्य उपस्थित होकर स्थानीय रोजगार ग्रामीण पर एक दिवसीय धरना किया गया। वहीं एक दिवसीय धरना का मुख्य कारण यह है कि BCCL प्रबंधन और संजय उद्योग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर 3 अप्रैल को ग्रामीणों द्वारा एक दिवसीय धरना दिया जाना था, जिसे किसी कारणों से स्थगित किया गया और ग्रामीणों द्वारा यह फैसला लिया गया कि दिनांक 5 अप्रैल को सुबह 10 बजे से परियोजना पदाधिकारी के मुख्य द्वार के सामने एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार प्रबंधन के द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन मिला लेकिन रोजगार नहीं मिला। बाहर से लोगों को लाकर काम करवाया जाता है, जबकि झारखंड सरकार के द्वारा बजट पास करते हुए निर्देश दिया गया था कि 75% रोजगार वहां के रजत वहां के ग्रामीणों को मिलना चाहिए। हम सभी साथियों को निजी कंपनी के वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे प्रदूषण, प्लास्टिक से घरों में दरार और पानी, बिजली। फिर भी हम लोगों को रोजगार न मिलना बहुत ही दुख की बात है। यही समस्या को लेकर युवा कांग्रेस का एक दिवसीय धरना दिया गया। कांग्रेस का एक दिवसीय धरना रखा गया, सर क्या मांगे हैं और कितने परसेंट के मांगे? नहीं नहीं, ये तो जो झारखंड सरकार का नियमावली जो है 75% लोकल आदमी को रखना है, तो वही हम लोग याद दिला रहे हैं। और आज शांतिपूर्वक धरना देकर प्रबंधन को भी हम लोग इसमें हस्तक्षेप करने के लिए आग्रह करने के लिए आए हैं। और जो आउटसोर्स कंपनी का जो भी लोग हैं जो यहाँ जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि शांतिपूर्वक बैठकर समझौता करा लीजिए, और अगर शांतिपूर्वक समझौता नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आंदोलन उग्र होगा, इसकी जिम्मेवारी आपको। क्या मांगे सर यहाँ का बेरोजगार? बेरोजगारों को रोजगार, जो बेरोजगार अगल बगल के हैं गांव के कोलेरी के जो भी धावड़ा के जो भी लोग हैं उसको रोजगार चाहिए ना। सिर्फ प्रदूषण फैलाइएगा आप, हम तो उधर से गुल आए एक टैंकर पानी भी नहीं डाल रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, सिर्फ एयर पॉल्यूशन हो रहा है और इस प्रदूषण का बहुत बुरा असर पड़ रहा है मानव जीवन में। तो सिर्फ यहाँ प्रदूषण फैलाने का काम है, कोयला क्षेत्र में कोयला उद्योग के नाम पर, कोयला के उत्पादन के नाम पर सिर्फ प्रदूषण फैलाइएगा आप, और बेरोजगार लोगों को कुछ नहीं दीजिएगा आप, कैसे बर्दाश्त करेगा, कब तक बर्दाश्त करेगा? और जब सड़क पर नौजवान आ जाएगा तो फिर देख लीजिएगा क्या होगा इसका। सर आगे की रणनीति क्या होगी? सर अभी तो बातचीत का मान लीजिए सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, पहले बातचीत हो। बातचीत में अगर हमारे युवा कांग्रेस के नेता और हमारे जो नेता हैं उन लोगों के साथ अगर सम्मानपूर्वक समझौता हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आंदोलन में जाएंगे।